में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी प्रत्याशी और निर्वाचन आयोग तमाम तरीके की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों में RTPGS काउंटर भी खोले जाएंगे ताकि किसी ग्रामीण को अपने कार्य के लिए प्रखंड मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। वे सोमवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू भी शामिल हुए। साथ ही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत कार्यपालक सहायक की नियुक्ति किए जाने की भी घोषणा कर दी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी पंचायतों में पंचायत कार्यपालक सहायक रखे जाने हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने अब तक 7,600 पंचायत कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की है। राज्य के 8,000 युवाओं को कार्यपालक सहायक बनने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि ये काम बेल्ट्रॉन को सौंपा गया है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा देकर अभ्यर्थी पंचायत कार्यपालक सहायक बन सकते हैं। वहीं पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने राजद को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राजद अक्षम हो गया है, उस पार्टी में नेता नीति और नेतृत्व का घोर अभाव है। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लोगों से अपील की कि वे वृक्ष लगाएं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह आम जनता का दायित्व है कि इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी पेड़ ना काटने पाए। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्ष आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े पैमाने पर नदियों के किनारे वृक्ष लगाने का काम शुरू किया है, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन में हरियाली लाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। बबलू ने तेज प्रताप यादव को लेकर भी विशेष टिप्पणी की। उन्होंने तेज प्रताप को प्रतिभा संपन्न बताते हुए कहा कि राजद को इस युवा नेता की प्रतिभा का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति परिवार में प्रतिभा का सम्मान नहीं कर सकता, वो राज्य का भला क्या करेगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 24 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। पहले चरण की वोटिंग 24 सितंबर को तो वहीं आखिरी चरण की वोटिंग 12 दिसंबर को कराई जाएगी।